हेलो मित्रों, आज 24 तारीख है, 24 नवंबर। सबको हमारा नमस्कार है, बड़ों को, सबको। और आप देखिएगा, यहाँ पर मेरे बैक में सीधे बैकग्राउंड जो है गिरजा देवी माता का मंदिर है। माता का शानदार दृश्य प्रस्तुत हो रहा है, देखिएगा। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ, तो आते ही सबसे पहले मैंने आपको ये बताना उचित समझा कि यहाँ पर की क्या स्थिति है। जो यहाँ पर की स्थिति है वो हम आपको ये बताना चाहेंगे, तो आप शुरू करते हैं। ये आप यहाँ पर कोसी नदी किनारे देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चहल पहल यहाँ पर यात्रियों की है। काफ़ी दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, मनोरंजन करते हैं, अपने बच्चों को, परिवार को घुमाते हैं। देखिएगा, बड़े सुरक्षित तरीके से ये लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। जल स्तर काफ़ी कम है अभी, इतना ज़्यादा भी नहीं है। और देखिएगा, कुछ परिवार यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। देखिए आप, देखिएगा कुछ परिवार यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। ये जो ठंड का मौसम है, ठंड में पानी में थोड़ा ठंडा तो लगता ही है, तो फिर भी कई लोग माता के छांव में स्नान करना चाहते हैं, तो उसका ये दृश्य है। अभी आप देखते जाइए धीरे धीरे। ये जो आप देख रहे हैं, इधर चहल पहल है, काफ़ी चहल पहल काफ़ी है। और इधर देखिएगा, जो पुल पर पुलिस की बैरिकेडिंग है, चूँकि वहाँ पर अभी यातायात बंद है, यात्रियों का जो आना जाना बंद है। सुबह प्रातःकाल वहाँ पर 6 बजे के आसपास पूजा अर्चना होती है पंडित जी वगैरह, और उसके तत्पश्चात वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। जो लक्ष्मी नारायण मंदिर का कैंपस है वो सामने, उधर देखिएगा, उधर लक्ष्मी नारायण का कैंपस है, वहाँ पर वो दिन भर रहते हैं। ताकि अभी अगले 2-4 दिन और हैं अभी, अभी जो भी लोग आते हैं, दर्शन पूजा उनकी वहीं पर होती है। तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा, जो उधर लक्ष्मी नारायण मंदिर का कैंपस है, पूजा अर्चना वहीं पर होती है। और जो यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, देखिएगा कुछ लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, इसका बड़ा आनंद ले रहे हैं। और कई लोग यहाँ पर माता रानी के छांव में आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर यात्रियों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अभी भी आज 24 नवंबर 2021 है, देखिएगा काफ़ी लोग इधर जंगल किनारे, यहाँ पर खूब हरियाली बहुत है। सबसे अच्छी बात है कि अभी हम दिल्ली के आसपास थे, NCR, तो हमने ये देखा कि वहाँ पर काफ़ी पॉल्यूशन था। हमारा भी वो वही वाली बात थी, जैसे वो दो हरे तोते थे, उनके बगल में एक काला तोता बैठ गया, तो दो तोते बोले कि अरे कौवे यहाँ से भाग, तो उसने बोला कि अरे नहीं भाई, मैं तो तोता ही हूँ, मैं काला हूँ, मैं NCR से आया हूँ, तो मैं काला उस वजह से हो गया हूँ पॉल्यूशन से। तो वही बात थी वहाँ पर, जितना हमने देखा समझा, वहाँ पर काफ़ी पॉल्यूशन है। और इसके बनिस्पत यहाँ ये जंगल है, दूर दूर तक आपकी नज़र दृष्टि जाती है। देखिएगा काफ़ी दूर तक आप साफ देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी नहीं है, कोई वाहन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं, कोई धुआं नहीं है, कोई पराली वराली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ लोग स्नान कर रहे हैं, अपना परिवार को स्नान करा रहे हैं। देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, देखिएगा छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। और ये देखो, लोग फोटोग्राफी का आनंद ले रहे हैं यहाँ, देखिए लोग फोटोग्राफी का काफ़ी अच्छा आनंद ले रहे हैं, और फोटोग्राफर्स यहाँ पर हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक आनंद दिया जा रहा है। जो पुलिस का बैरिकेडिंग भी लगा हुआ है, क्योंकि एक सुरक्षा के लिए कुछ दिनों के लिए किया होगा, चलो उस पर नहीं जाते हैं। देखिए सुंदर दृश्य है माता रानी का, ऊपर पहाड़ों, यहाँ से कई किलोमीटर ऊपर पहाड़ हैं सामने, वहाँ भी हम गए थे एक बार, अभी 3 महीने पहले गए थे, वहाँ बंद था जब, मई जून में, हाँ तो मई जून में। उधर से मंदिर का एक झलक दिखती है, वो यहाँ से कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर है। अगर अच्छी हाई क्वालिटी का लेंस कैमरा वगैरह दूरबीन हो, तो वहाँ से हम गिरजा माता के मंदिर को देख सकते हैं। अगले 15-20 किलोमीटर लंबी रेंज वाला अगर कोई दूरबीन हो, तो वहाँ से हम यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमने आपको आज प्रयास किया है, एक छोटा सा प्रयास दोबारा से किया है। यहीं से हमने आपको हाथियों के बारे में बताया था, आपको याद होगा हमारे YouTube चैनल में, जो हाथियों के बारे में हमने आपको यहीं से सूचना दी थी। उसके बाद जो बाढ़ आई थी, वो सूचना भी इसी लोकेशन से दी गई थी, आपको याद होगा। देखिए हनुमान जी आए हैं, हनुमान जी यहाँ पर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि इनको खाना पीना मिलता है। वो हनुमान जी पानी में खड़े हैं, पत्थर में खड़े हैं, वो सामने वो, हाँ हाँ अच्छा।
आप फोटोग्राफर साहब, ठीक है। हाँ, वो बंदर हनुमान जी हैं, देखो पानी में नहाने को तैयार हैं बिल्कुल। देखिएगा ये देखिए, इंसान तो इंसान, प्रकृति के साथ हम जुड़े हुए हैं। देखिए ये हैं, ये यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद ये पार जाना चाह रहे हैं। देखिएगा इनकी, इनको गौर से देखिए। पानी में लगे हैं खेल, उनकी भी अपनी दिनचर्या है। ये और इसी बात क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको लगातार अपडेट देंगे। दो चार दिन के अंदर अंदर में माता के मंदिर में, दरबार में जाना, सभी लोगों का जाना हो जाएगा। अभी सभी लोगों को यहाँ तक तो मुमकिन है, आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। प्रकृति की गोद में आप, माता की गोद है, प्रकृति की गोद है ये, इसमें आप आराम से अपना समय बिता सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। यहाँ पर खाना पीना सब उपलब्ध है, दुकानें सारी खुल चुकी हैं, प्रसाद इत्यादि खाना पीना वगैरह दुकानें सारी खुल चुकी हैं। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे, जो भी ये लगातार अपडेट है इसको देखिए, माता की छांव है, इसको सबको दिखाइए आप। अभी हम दिल्ली गए थे, बहुत अच्छा, उधर कुछ लोगों से मिलके आए, कुछ नए मित्रों से मिलके आए, अखिल चंद्र जी वहाँ पर मिले, तो सौभाग्य से काफ़ी अच्छे इंसान थे, उनसे मिलना हो पाया। और उनकी तरह एक कैलाश जोशी जी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट हमें किया। तो हमारे माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है कि दूर दूर से लोग काफ़ी इज्जत हमें देते हैं, मान सम्मान देते हैं। माता रानी की सेवा करने का एक मौका हमारा जीवन यहाँ पर लगा है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज विश्राम देते हैं अपनी वाणी को। ये प्रकृति की गोद में है, ये भी सब बहुत सुंदर। बोल सच्चे दरबार की जय, बोल माता रानी के दरबार की जय। जय हो, शुभ दिन, जय हो माता।